पठान का शुरू हुआ असली एग्जामिनेशन। जी हाँ, कॉन्ट्रोवर्सी के बीच शाहरुख खान की पठान सर्टिफिकेशन के लिए CBFC की एग्जामिनेशन कमेटी पहुंची, जहां फिल्म को कमेटी के मेंबर्स ने देखा और फिल्म के कुछ हिस्सों पर कैंची चलाने की बात की है। सेंसर बोर्ड वालों ने फिल्म को जरूर देख लिया है, लेकिन फिल्म को फिलहाल कोई सर्टिफिकेट नहीं दिया गया है। पठान के कुछ सीन्स पर कैंची चलने के बाद ही इसे सेंसर बोर्ड पास करेगा। दरअसल पठान के मेकर्स ने CBFC के पास अपनी फिल्म भेजी है और फिल्म को देखने के बाद सेंसर बोर्ड कमेटी ने फिल्म के गानों समेत कुछ हिस्सों में बदलाव करने को कहा है। इतना ही नहीं, सेंसर बोर्ड ने फिल्म के मेकर से कहा है कि फिल्म बनाने वाले ये फिल्म में चेंजेस करके उसके बाद फिर से फिल्म को सेंसर बोर्ड के पास भेजे, तब जाके फिल्म को UA या फिर यू या फिर ए सर्टिफिकेट दिया जाएगा। फिल्म को थिएटर में रिलीज होने से पहले मेकर्स को CBFC गाइडलाइंस के हिसाब से फिल्म में बदलाव करने के साथ ही फिर से एडिट वर्जन कमेटी को सबमिट करना होगा, ताकि फिल्म को थिएटर पर रिलीज करने के लिए हरी झंडी दिखाई जा सके। अब ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि पठान के सॉन्ग बेशरम रंग के एक सीन में जहां दीपिका ने ऑरेंज बिकनी पहनी है, उसको सीन से हटाया जा सकता है, क्योंकि इसी सैफरन बिकनी पर पिछले 20 दिनों से बवाल मचा हुआ है। कहा यह भी जा रहा है कि मेकर्स गाने से इस हिस्से को हटा सकते हैं। हालांकि ऐसा हमेशा ही देखने को मिलता है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेशन यानी CBFC के पास रिलीज से पहले फिल्म भेजी जाती है, फिल्म को देखा जाता है और फिल्म का रिव्यू होता है। ऐसे में CBFC फिल्म को देखकर उसके अनुसार सर्टिफिकेट भी देती है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सेंसर बोर्ड के चेयरमैन प्रसून जोशी ने एक इंटरव्यू में इस बात का खुलासा भी किया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया है कि CBFC हमेशा से ही मेकर्स की क्रिएटिविटी और ऑडियंस की सेंसिबिलिटी को बैलेंस करती है। ऐसे में मैं हमेशा से ये कहता आया हूँ कि क्रिएटर्स और आम पब्लिक के बीच के ट्रस्ट को बचाए रखना सबसे ज्यादा जरूरी है। खैर, अब देखने वाली बात होगी कि फिल्म से बेशर्म रंग के इस सीन को हटाने के बाद मेकर्स और किन किन सीन्स पर कैंची चलाते हैं। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यूज, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।